Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. जाने रात के अंधेरों में पन्ना धाई ने कितनी सिसकियां भरी होंगी, जाने कितने ही पल उस मासूम के चेहरे में अपने बेटे के चेहरे को खोजने की कोशिश की होगी। ये कहानी एक ऐसी मां की है जिसने बलिदान की परिभाषा ही बदल दी, जिसने अपने प्राणों के प्राण की बलि कर्तव्य के घाट उतार दी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी ममता को कुर्बान होते हुए देखा, मगर फिर भी उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं टपका, टपका तो सिर्फ सुर्ख लाल रक्त। संगमरमर के महलों और शांत खूबसूरत झीलों की नगरी उदयपुर, जिसे पूरब का वेनिस कहा जाता है, राजस्थान के राज में जड़ा शायद सबसे बहुमूल्य रत्न है। इसका श्रेय इतिहासकार मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को देते हैं, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में उदयपुर को मेवाड़ की नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। मेवाड़ के इतिहास पर चढ़ी परत हटाकर देखें तो सामने आएगी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। ना बनता युवराज उदय कभी महाराणा उदय सिंह, अगर ना बहाती वो निडर निष्ठावान मां अपना ही रक्त। उदयपुर, जिसकी नींव रखी थी युवराज उदय ने, जिनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय घटित हुआ मेवाड़ की पुरानी राजधानी चित्तौड़ में। चित्तौड़ किला राजपूत घराने की आन बान और शान का प्रतीक, इसी कर्म भूमि पर जन्मे थे उदय सिंह। और जैसा कि राजघरानों में होता है, उदय सिंह की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया उनकी धाई मां को, उनकी जिंदगी की सबसे अहम शख्सियत पन्ना। उस समय कोई नहीं जानता था कि ये धाई माँ एक दिन मेवाड़ के इतिहास का रुख बदल देंगी। राजपूत इतिहास में धाई एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था। उसका काम हुआ करता था बच्चों को ना केवल स्तनपान कराना, बल्कि बच्चों का लालन पालन करना भी उसका काम किया हुआ करता था। पन्ना धाई किस समाज से संबंध रखती थी, इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। पन्ना धाई राजपूत परिवार के खींची खाप की एक राजपूतनी थी, ऐसा महाकवि श्यामल दास ने अपने इतिहास वीर विनोद में लिखा है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि पन्ना धाई एक गुजर महिला थी। उन्होंने गुजर समाज की महिलाओं को इसलिए चुना कि वो गुजर समाज में पशुपालन और कृषि पर आधारित तो महिलाएं यही काम होता था, और उनके खान पीन और दूध वगैरह, ये दूध दही और घी वगैरह का उन
से जिस अधिक सेवन करने से गुजर समाज की महिलाएं अधिक शक्तिशाली और मजबूत होती थी। इस कारण महाराजाओं को ये विश्वास था कि अगर शक्तिशाली और मजबूत महिलाएं, स्वस्थ महिलाएं हमारे बच्चों का स्तनपान कराएंगी तो हमारे बच्चे भी बचपन से ही मजबूत होंगे और वो संघर्ष करने में और हर क्षेत्र में मजबूत रहेंगे और कामयाब रहेंगे। प्राचीन काल से ही भारत के राजघरानों में धाई माँ की प्रथा चलती आ रही है, क्योंकि अक्सर राजरानियां राजसुख में व्यस्त होती थी तो धाई माँ ही राजकुमारों का पालन पोषण किया करती थी। धाई उस व्यक्ति को रखा जाता था, उस महिला को नियुक्त किया जाता था जो परिवार के बेहद करीब हुआ करती थी, जो परिवार की बहुत विश्वास पात्री हुआ करती थी, क्योंकि हर वक्त ये खतरा मंडराता रहता था कि कहीं कोई संभावित राजकुमार को मार ना दे, कहीं कोई राजपुत्रों की हत्या ना कर दे जहर के द्वारा, किसी षड्यंत्र के द्वारा, क्योंकि उस काल में रनिवास में बहुत बार इस तरह के षड्यंत्र होते रहते थे। पन्ना धाई का एक अपना बेटा भी था, चंदन, उदय सिंह का हम उम्र। पन्ना का दूध चाहे राजकंवर उदय सिंह और अपने बेटे चंदन के बीच बटा हुआ था, लेकिन उनकी ममता दोनों के लिए थी और शायद अपने खून से ज्यादा अपने कर्तव्य के प्रति ही थी। भोपाल सिंह पिछले कई सालों से पर्यटकों को चित्तौड़गढ़ की कहानियां बताते हैं, लेकिन पन्ना धाई की कहानी इनके दिल के कुछ ज्यादा ही करीब है। जितने भी देसी विदेशी पर्यटक आते हैं उनको हम चार जो मेन मॉन्यूमेंट हैं, कुंभा पैलेस, मीरा मंदिर, विजय स्तंभ और पद्मिनी पैलेस दिखाते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पन्ना धाई का पैलेस है। पन्ना धाई ने जो रॉयल बेबी को बचाने के लिए अपने स्वयं के बेटे चंदन का बलिदान किया है, इस कहानी को सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रह सकते। चित्तौड़ किले में राणा संग्राम सिंह राजपाट संभाल रहे थे और पन्ना राजकुमारों को। उदय सिंह अपने पिता महाराणा संग्राम सिंह और माता रानी कर्मावती के चहेते तो थे ही, लेकिन उनका बचपन बीता अपनी धाई मां की गोद में। पन्ना धाई न सिर्फ राजकुमार उदय का लालन पालन करती थी बल्कि उनको बहादुरी के किस्से सुनाकर भविष्य का राणा बनने के लिए भी तैयार कर रही थी। पन्ना धाई की रग रग में लहू के साथ वफादारी और साहस दौड़ता था। अपनी विश्वसनीयता के कारण वो रानी कर्णावती की दासी ही नहीं, उनकी हमराज और सलाहकार भी थी। और समय की करवट के साथ चित्तौड़ के इस अभेद किले पर संकट के बादल छा गए। ये बात है सन 1527 की। सन 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। इस खानवा के युद्ध में बाबर ने महाराणा सांगा को पराजित किया और इस युद्ध के एक साल बाद महाराणा सांगा की मृत्यु हुई। महाराणा सांगा के 7 पुत्र थे, उनमें से 4 पुत्र तो उनके समय में ही मर चुके थे, उनका देहांत हो चुका था। अब मेवाड़ की गद्दी पर आए राणा रतन सिंह, जिनकी अपने शासन के दौरान सन 1531 में मृत्यु हो गई और उसके बाद विक्रमादित्य नए शासक बने मेवाड़ के। चित्तौड़गढ़ के इस भव्य किले में एक तरफ उदय का बचपन, पन्ना धाई की लोरी और चंदन के साथ खेलकूद में बीत रहा था, उसी किले का शासक विक्रमादित्य अपने साम्राज्य की जिम्मेदारियां भुलाकर भोग विलास में व्यस्त था। साथ ही उसका गुस्सैल स्वभाव उसी की सत्ता में फूट डाल रहा था। मेवाड़ में एक कहावत प्रसिद्ध है कि नीम को गुड़ और घी के साथ कितना ही रख दिया जाए उसका स्वभाव नहीं बदलता। उसी तरह दुर्जन व्यक्ति कितना ही बड़ा पद हासिल कर ले लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलेगा, और यही हाल हम देखते हैं विक्रमादित्य का भी था। विक्रमादित्य अपने लोगों को परेशान करने में बहुत दिलचस्पी दिखाया करते थे। कभी कभी बड़े बड़े सामंतों को परेशान करना, डांटना, फटकारना, अपमानित करना, ये उनका शौक था। उनके व्यवहार से उनकी मां रानी कर्णावती भी बेहद परेशान थीं और वो अपनी चिंता पन्ना धाई से बांटा करती थी। पन्ना धाई ने रानी कर्णावती को विक्रमादित्य को समझाने की सलाह दी, लेकिन किसे पता था कि किस्मत जल्द ही पासा पलटने वाली थी
और विक्रमादित्य अपने दुर्व्यवहार की कीमत चुकाने वाला था। समय के साथ उदय और चंदन बड़े हो रहे थे और यही समय मेवाड़ की किस्मत में एक नया काला अध्याय लिखने वाला था। विक्रमादित्य की बढ़ती बदतमीजियों की खबर सुनकर और ये सुनकर कि सामंत लोग उससे नाराज हैं, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इस अवसर का लाभ उठाने की बात सोची और सन 1532 में बहादुर शाह ने अपने सेनापति मोहम्मद शाह आसेरी को चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। क्योंकि विक्रमादित्य का ध्यान कभी शासन में था ही नहीं, इसी की वजह से हमले के समय वो दुश्मन के आगे कमजोर साबित हुआ। तब पन्नाधाई की सलाह पर राजमाता कर्णावती ने पड़ोसी रियासतों को चित्तौड़ के मान की दुहाई दी। बहादुर शाह के हमले से जो स्थितियां पैदा हुई, उस स्थिति में पन्ना ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया। पन्ना ने रानी कर्मावती को यह सलाह दी कि वो ऐसे समय में मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजे और उसे अपना भाई बनाए। पन्ना की सलाह को मानते हुए रानी कर्मावती ने राखी भेजी और रानी के कहने पर सबसे छोटे बेटे उदय सिंह की सुरक्षा के लिए पन्ना उन्हें लेकर बूंदी चली गई। पड़ोसी रियासतों ने विक्रमादित्य से ज्यादा चित्तौड़ का मान रखने के लिए युद्ध में शामिल होने का फैसला लिया और सर पर साफा बांधकर युद्ध भूमि में कूद पड़े। कर्मावती द्वारा भेजी गई राखी की लाज रखने के लिए हुमायूं भी बंगाल से चित्तौड़ की ओर रवाना हुए। हुमायूं उनकी मदद करने के लिए आया लेकिन ग्वालियर में ही अटक कर हुमायूं रह गया। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी और वहां पर रानी कर्मावती अपने अन्य 13,000 महिलाओं के साथ जौहर की आग में कूद चुकी थी। युवराज उदय सिंह ने अपनी मां को खो दिया और पन्ना धाई उन्हें लेकर तभी वापस आई जब हुमायूं की वजह से विक्रमादित्य वापस अपनी गद्दी पर लौट आए। यहां हम देखते हैं कि पन्ना केवल एक धाई नहीं थी बल्कि पन्ना एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी हमको दिखाई देती है। एक ऐसी सलाहकार जो गहरी सूझबूझ रखा करती थी और जो सही वक्त पर सही निर्णय से रानी को अवगत कराया करती थी। पर यह राज ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। इस जंग के बाद विक्रमादित्य अपने पुराने स्वभाव पर वापस आ गया। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण विक्रमादित्य ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दरबारियों को नाराज कर लिया और उसने भरी सभा में अपने पिता के वक्त से चले आ रहे सलाहकार करमचंद जी पर हाथ उठा दिया। ये देखकर चित्तौड़ के मंत्रियों का विश्वास विक्रमादित्य के राजत्व से उठ गया और उसको बेताज कर महल में नजरबंद कर दिया गया। पर सवाल ये था कि अब मेवाड़ का शासक कौन होगा। चित्तौड़ के मंत्रियों ने यह तय किया कि अब राज उदय के नाम पर ही होगा लेकिन राज्य अधिकारी होगा बनवीर। बनवीर राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज और एक दासी की संतान थी। लेकिन बनवीर ये माना करते थे कि क्योंकि उनके अंदर राज अंश मौजूद था इसीलिए उन्हें लगता था कि वो भी राज्य अधिकारी बनने के काबिल हैं। बनवीर बरसों से इस मौके का इंतजार कर रहा था। अब उसकी पहुंच में मौका भी था और विक्रमादित्य की गर्दन भी। बनवीर के मन में नए सपने जगने लगे और बनवीर ने अब कोशिश की विक्रमादित्य को धीरे धीरे आराम पसंद बनाते हुए उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म कर सके। दूसरी तरफ माँ बाप का साया सर से उठ जाने के बाद उदय सिंह के पास थी सिर्फ पन्ना धाई। लेकिन क्या एक धाई माँ का प्यार उदय को बनवीर के कहर से बचाने के लिए काफी था। अपने ही महल में नजरबंद होने के बावजूद विक्रमादित्य को खतरे की भनक तक नहीं थी और वो रासलीला में डूबा हुआ था। रात का काला साया चित्तौड़ के किले पर मंडरा रहा था। एक तरफ घुंघरुओं की झनकार शोर मचा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ पन्नाधाई की लोरी किले के गलियारों में गूंज रही थी। धीरे से पन्ना ने उदय को उसके मखमली पालने में रखा और दोनों को पंखे से हवा करने लगी। पर किसे पता था कि चंदन को आज की काली रात से
मां की ममता भी नहीं बचा पाएगी। बनवीर ने तय किया कि आज की रात उसके और चित्तौड़ की गद्दी के बीच की दूरी को मिटाकर ही सुबह का मुंह देखेगी। दबे पांव वो जनाना में पहुंचा और अपनी तलवार से विक्रमादित्य को एक ही बार में मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बनवीर और चित्तौड़ के सिंहासन के बीच एक रुकावट अभी बाकी थी। युवराज उदय सिंह विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए अपने महल से चल पड़ा। 6 साल के मासूम बच्चे को मारना बहुत मुश्किल काम नहीं था उसके लिए। इससे पहले कि बनवीर की तलवार उदय सिंह तक पहुंचती, उसकी हैवानियत की खबर पन्नाधाई तक पहुंच गई और फिर जो घटित हुआ उसे सुनकर हर मां का दिल सहम जाता है। पन्ना को भांपने में देर नहीं लगी कि किले में बनवीर मौत का तांडव रचने वाला था और जब उसने अपनी ममता और कर्तव्य को धर्म के तराजू में तोला तो अपने कर्तव्य का पलड़ा भारी पाया। बिना एक क्षण की भी झिझक के पन्नाधाई ने झट से युवराज को पालने से उठाया, उसे एक फलों की टोकरी में छुपाकर ऊपर से जूठे पत्तलों से ढक दिया। फिर पन्नाधाई ने एक राजदूत के हाथों उस टोकरी को नदी किनारे भिजवा दिया। फिर एक क्षत्रिय, एक मां और एक राजसेवक बढ़ी उस बिछौने की ओर जहां उसका अपना बेटा सो रहा था। और कांपते हुए हाथों से उसने अपने दिल के टुकड़े, अपने खुद की संतान चंदन को उठाकर उसे उदय के कंबल से ढक राजसी पालने में रख दिया। दरवाजा खोल पन्ना, नहीं तो तोड़ दूंगा इन्हें। दरवाजा खोल पन्ना, नहीं तो तोड़ दूंगा इन्हें। दरवाजा तोड़ दो। आंखों से अंगारे और तलवार से खून बरसाता हुआ बनवीर कमरे में दाखिल हुआ और जलते बुझते दियों के बीच पन्नाधाई के खानदान का चिराग भी बुझ गया। लेकिन पन्नाधाई की आहें उसके सीने में ही दबकर रह गई और उस कर्मामयी ने अपने मुंह से एक सिसकी भी ना निकाली। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य को, जब एक मां अपने ही खून को कत्ल होते हुए देख रही है। कल्पना कीजिए उस मां की ममता के बारे में जिसने इतना बड़ा निर्णय लिया। हम केवल सोच सकते हैं, हम कांप जाते हैं जब ये बात सोचते हैं। तो कितनी राजभक्ति रही होगी उस महिला के हृदय में, राजा के प्रति, राजगद्दी के प्रति, अपने वतन के प्रति, अपने मेवाड़ के प्रति। क्या बीती होगी उस मां के दिल पर जो कुछ समय पहले अपने सपूत को छाती से लगाए बैठी थी और अब उसके अपने ही खून के छींटे उसके चेहरे पर थे। यहां एक प्रश्न हम लोगों के मन में उठ सकता है कि अगर पन्ना एक बेटे को बचा सकती थी तो दूसरे बेटे को क्यों नहीं बचा सकती थी, क्योंकि उदय और चंदन दोनों ही उसके लिए पुत्र थे। लेकिन हमें कोशिश करनी होगी ये समझने की कि अगर वो दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करती तो बनवीर के खूनी हाथ उन दोनों बच्चों तक पहुंच ही जाते। बनवीर मेवाड़ का चप्पा चप्पा छान मारता और उन दोनों बच्चों को जीवित नहीं छोड़ता। पर पन्नाधाई की कुर्बानी, हौसले और साहस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पन्ना के पास चंदन की याद में दो आंसू बहाने का वक्त भी नहीं था और इससे पहले कि बेटे की चिता की अग्नि शांत होती, वो युवराज उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ की ओर रवाना हो गई। हमें ये जानकारी मिलती है कि पन्ना बूंदी गई, पन्ना डूंगरपुर गई, पन्ना ईडर गई और उसके बाद आखिरकार पन्ना ने कुंभलगढ़ या कुंभलमेर में आकर शरण ली। जाने रात के अंधेरों में पन्नाधाई ने कितनी सिसकियां भरी होंगी, जाने कितने ही पल उदय सिंह के चेहरे में चंदन के चेहरे को खोजते हुए बिताए होंगे।
जाने कितनी बार ये कहकर मन को शांत किया होगा कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, कि एक बार फिर चित्तौड़ में उदय सिंह की जय जयकार होगी। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि इतने बड़े त्याग करने के बाद पन्ना का कहीं कोई नाम इतिहास में हम लोगों को इसके बाद नहीं मिलता। कहीं कोई घटना, कहीं कोई इतिहास, कहीं कोई ऐतिहासिक ग्रंथ, कहीं कोई इतिहासकार पन्ना के रोल की चर्चा नहीं करता। क्या हुआ पन्ना का, कैसे रही पन्ना, क्या वो जीवित रही, अगर जीवित रही तो कितने वर्षों तक, और वो वर्ष उसने कहाँ और कैसे गुजारे, इतिहास इसके बारे में मौन है। त्याग और बलिदान की उस महान मुहूर्त की कुर्बानी सिर्फ उस खूनी रात की ही नहीं थी, आने वाले कई साल भी उसकी तपस्या को तोड़ नहीं पाए और वो उदय के रखवाले के रूप में तब तक डटी रही जब तक सारा मेवाड़ एक बार फिर महाराणा उदय की जय जयकार के नारों से गूंज नहीं उठा।